दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल में देख चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम सातवां वेतन आयोग पेंशन रिवीजन 2016 से पूर्व पेंशन भोगियों की नॉमिनल पे फिक्सेशन को लेकर यहां पर अपडेट लेके आए हैं। जी हां दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पीजी एंड पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन एंड ट्रेनिंग के द्वारा यहाँ पर जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं उनको ये ऑफिशियल मेमोरेंडम जारी किया है। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि 2016 से पूर्व पेंशन भोगियों की पेंशन रिवीजन के संदर्भ में क्या नया प्रावधान यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनके बारे में जान सके। तो चलिए दोस्तों, आपका कीमती वक्त ना जाया करते हुए आज के हमारे वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं एनोमलीज इन डिटरमाइंड नेशनल पे 7CPC रिवीजन ऑफ पेंशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जितने भी सेक्रेटरीज हैं उनको ये लेटर लिखा गया है, जिसका सब्जेक्ट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं रिवीजन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 7CPC रिकमेंडेशन एनोमली इन डिटरमाइंड नेशनल पे। मतलब कि जो हमारे पेंशन भोगियों की नेशनल पे फिक्स की गई थी उसमें कुछ विसंगतियाँ प्रोड्यूस हुई हैं, उनको डिटरमाइन करने के लिए ये लेटर जारी किया। इनका कहना है काफ़ी सारे स्टेट सेक्टर गवर्नमेंट्स की तरफ से यहाँ पर काफ़ी सारी कम्युनिकेशन रिप्रेजेंटेशन आ रही थी और यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन में क्वेश्चन किया गया था वो रिवीजन ऑफ पेंशन आफ्टर 7CPC रिकमेंडेशन को लेकर था। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ने इसको एग्जामाइन किया है और जो यहाँ पर समाधान निकाला है वो इस प्रकार है। सबसे पहले जो बेसिक है फॉर रीफिक्सेशन ऑफ पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर, वो यहाँ पर DOPT का लेटर जो 19 मई 2017 को जारी किया गया था और कंकॉर्डेंस टेबल DOP एंड PW विभाग के द्वारा जारी की गई थी 6 जुलाई 2017, उसको लेकर यहाँ पर आधार बनाया गया है। जो हमारी पेंशन फिक्सेशन है ऑफ प्री 2016 के पेंशनर फैमिली पेंशनर, उनको जो मेथड यहाँ पर यूज किया गया है वो इस प्रकार है। सबसे पहला पैरा नंबर 4 जो कि 12 मई 2017 का ऑफिशियल मेमोरेंडम था, उसके अकॉर्डिंग जो रिवाइज पेंशन फैमिली पेंशन होगी विद रिस्पेक्ट टू 1 जनवरी 2016, वो जितने भी सेंट्रल सिविल पेंशनर हैं जो कि 1 जनवरी 2016 से पहले रिटायर हुए हैं उनको नेशनली पे फिक्सेशन का यूज करते हुए पे मैट्रिक्स लेवल जो सातवां वेतन आयोग का है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग स्केल है, पे बैंड है, ग्रेड पे जिससे वो रिटायर्ड हुए हैं उनको उस लेवल के हिसाब से सातवां वेतन आयोग के पे मैट्रिक्स टेबल के हिसाब से उनको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी। इसके लिए नॉमिनल पे फिक्सेशन का जो मेथड यूज किया गया था वो बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ रिवीजन ऑफ पेंशन था। जब भी हमारे यहाँ पर नॉमिनल पे फिक्स किया गया नॉमिनल बेसिस के ऊपर जो पे फिक्सेशन फॉर्मूला अप्रूव्ड था गवर्नमेंट के द्वारा और जो अदर इक्विवेलेंट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन थी उनको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है और जो भी हमारे पेंशन भोगी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं जो कि 1 जनवरी 1986 या उसके पहले या बाद रिटायर या फिर डाइट हो गए हैं और लेकिन 1 जनवरी 2016 से पहले वो यहाँ पर रिटायर या डाइट हो गए हैं तो उनकी एक्चुअल पे स्केल जहाँ से वो रिटायर हुए हैं या फिर जिस पे स्केल पे वो डाइट हो गए हैं उसको यहाँ पर कैलकुलेशन नेशनल पे फिक्सेशन जो कि आफ्टर सातवां वेतन आयोग की जब रिकमेंडेशन आई थी तो उनकी पे को भी यहाँ पर उसी के हिसाब से पे फिक्स किया गया। अब अकॉर्डिंग टू द पे ऑफ प्री 2016 पेंशनर जो नेशनल पे यहाँ पर फिक्स की गई पे मैट्रिक्स ऑफ 7CPC में जो यहाँ पर पे फिक्सेशन का फॉर्मूला गवर्नमेंट ने अप्रूव किया था वो सभी के लिए एक समान लागू था, चाहे वो IAS सर्विंग ऑफिसर है या फिर अदर ग्रेड का कोई भी ऑफिसर है, उसको रिलेवेंट सेल 6CPC के बाद यहाँ पर 7CPC की पे मैट्रिक्स में उसकी कॉरस्पेंडिंग सेल के अंदर कन्वर्ट किया गया था। और सबसे बड़ा रूल यहाँ पर ये था कि मिनिमम से मिनिमम यहाँ पर उनको पेंशन उस सेल की लोवेस्ट पेंशन है उससे कम यहाँ पर नहीं दी जाएगी और अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑर्डर मिनिमम पेंशन 9000 रुपये से कम यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो जो ओनली दोज ऑफिसर जो कि 1 जनवरी 2016 या उसके बाद प्रमोटेड हुए थे उनकी यहाँ पर फिक्स की गई थी पे को 3rd सेल ऑफ लेवल 13, जो पे ऑफ ऑफिसर जिन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर लेवल 13 के अंदर सिलेक्शन ग्रेड हो गया है उनका तो उनकी पे यहाँ पर 6th वेतन आयोग से यहाँ पर रिवाइज करके 7वां वेतन आयोग पर यहाँ पर फिक्स की गई है। और जो नॉमिनल पे फिक्सेशन थी यहाँ पर 1 जनवरी 2016 से पहले जो रिटायर हुए थे उनकी भी सिमिलर मेथड से यहाँ पर फिक्स की गई है, लेकिन काफ़ी सारी यहाँ पर एनोमलीज आई हैं
तो ये विभाग ने यहाँ पर आदेश जारी किए हैं कि जो भी हमारे पेंशनर हैं, फैमिली पेंशनर हैं, उनकी सभी एनोमलीज को अब यहाँ पर रिमूव किया जाएगा। पेंशन ऑफ प्री 2016 पेंशनर, फैमिली पेंशनर, उनको यहाँ पर 1 जनवरी 2016 के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन पारित की गई थी डीओपी एंड पीडब्ल्यू विभाग के द्वारा, उसको फॉलो करते हुए फिक्स किया जाएगा। अब काफ़ी सारे यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी आ रही थी, तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया है, स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर जो भी प्री 2016 के पेंशनर हैं उनको भी सेम मेथड यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर की तहत ही पेंशन फिक्सेशन, मतलब पेंशन रिवीजन नॉमिनल पे फिक्सेशन का यूज करते हुए उनकी पेंशन को भी रिवाइज किया जाए। कंपीटिंग अथॉरिटी के साथ इसका अप्रूवल मिल गया है। अब स्टेट गवर्नमेंट के पेंशन 2016 से पहले जो रिटायर्ड हुए पेंशन भोगी उनको भी यहां पर सातवां वेतन आयोग के पे फिक्सेशन के हिसाब से, पेंशन फिक्सेशन के हिसाब से यहाँ पर पेंशन मिलेगी, जो कि यहाँ पर आपकी लास्ट बेसिक पे ड्रोन है उसका 2.57 मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, और जो बेसिक पे यहाँ पर निकल के आएगी उसका 50% आपको पेंशन के रूप में और 30% फैमिली पेंशन के रूप में दिया जाएगा। तो गुड न्यूज़ निकल के आ रही है स्टेट गवर्नमेंट के पेंशन भोगियों के लिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशन भोगियों की तरह ही आपको यहाँ पर नॉमिनली पे फिक्सेशन का फ़ायदा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इनका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।